आप सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम में वर्णित गोपी गीत। महाराष्ट्र के समय गोपियों को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो गया था कि श्री कृष्ण उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, जबकि लक्ष्मी जी जैसी देवियां उनके सामिप्य को तरसती रहती हैं। भगवान अपने भक्तों में किसी प्रकार का अभिमान कभी नहीं देख सकते, इसीलिए उनका अभिमान भंग करने के लिए और गोपियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण महाराष्ट्र से अदृश्य हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां यमुना के पुलिन पर बैठकर विरह में कातर होकर विरह गीत गाने लगी, उनका यशगान करते हुए पुनर्मिलन की प्रार्थना करने लगी। गोपी गीत गोपियों के अंतर मन की वाणी है। गोपी गीत वो विरह गीत है जिसे सुनकर श्री कृष्ण बहुत देर तक छिपे ना रह सके, तुरंत ही प्रकट हो गए और तब महारास संपन्न हुआ। कहा जाता है कि गोपी गीत गाने वाले भक्तों को शीघ्र अति शीघ्र राधा कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो आइए सुनते हैं गोपियों का विरह गीत, गोपी गीत। आदि लोकों से भी ब्रज श्रेष्ठ हो गया है, तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास छोड़कर यहाँ ब्रज में निरंतर निवास करने लगी है। हे प्रियतम, तुम हमारी ओर भी तो देखो, हम तुम्हारी दासियां तुम्हारे लिए ही जी रही हैं और तुम्हें ढूंढती हुई इधर उधर भटक रही है।
हे प्यारे, शरतकालीन निर्मल जलाशय में विकसित कमल पुष्प की शोभा को भी हर लेने वाले तुम्हारे नेत्रों ने हमारे भी चित्त चुरा लिए हैं, जिससे हे रदिनाथ हम तुम्हारी बिना मूल की दासी हो गई हैं। उन्हीं नैन बाणों से तुमने हमें घायल कर दिया है। सबको वर देने वाले प्यारे प्रभु, क्या ये हम स्त्रियों का वध नहीं है? प्यारे, तुमने अनेक बार हमारी रक्षा की है, विषैले जल के पान से मरते हुए ब्रजवासियों को बचाया, अघासुर अजगर से बचाया, आंधी पानी तूफान बिजली और दावानल से बचाया, वृषभासुर और व्योमासुर आदि अनेक आपत्तियों से भी हमें बचाया है। इस तरह प्रभु आपने हमारी बारंबार रक्षा की। हे प्यारे, हम जानते हैं कि तुम केवल यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम तो समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए इस यदुवंश में तुमने अवतार लिया है, किंतु हे प्यारे सखा, अपने विरह की ज्वाला में हमें क्यों जला रहे हो?
यदुवंश शिरोमणि, जो लोग संसार के आवागमन रूप चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय प्रदान कर देते हैं। हे प्रियतम, सबकी अभिलाषा को पूर्ण करने वाले और लक्ष्मी जी का पाणी ग्रहण करने वाले उसी कर कमल को हमारे सिर पर रख दो ना। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले हे वीर, आपके मंद मुस्कान की एक रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के मान मद को चूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। अतः आपको अंतर्धान होने की क्या आवश्यकता है? हे प्यारी सखा, हमसे रूठो मत, हम तो तुम्हारी दासियां हैं। हमें अपना परम सुंदर मुख कमल दिखला दो श्याम। शरणागत प्राणियों के सारे पाप नष्ट कर देते हैं।
वे समस्त सौंदर्य की खान है। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक में रख देते हो। तुम अपने उन्हीं चरणों को हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो प्रभु। विद्वान उसमें रम जाते हैं तुम्हारी उसी वाणी का रसा स्वादन करके। तुम्हारी आज्ञाकारिणी गोपियां मुग्ध हो रही हैं। अब तुम हमें अपना मधुर अधरामृत पिलाकर फिर से जिला दो ना। प्रभु तुम्हारी लोक कथा भी अमृत स्वरूप है। वो विरह संतप्त लोगों को नव जीवन प्रदान करती है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने उसका गान किया है। वो पाप ताप को नष्ट करने के साथ ही परम कल्याण करती है। वो परम सुंदर महामधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गायन करते हैं वास्तव में वे सबसे बड़े दाता हैं, सबसे बड़े उपकारी हैं।
मेरे प्यारे, एक दिन वो था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी, चितवन और विभिन्न क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद मग्न हो जाया करती थी। उसके बाद तुम मिले एकांत में, हृदय स्पर्शी चिठोलियां की, प्रेमालाप किया, परंतु हमारे कपटी मित्र अब वे बातें कहां हैं? अब तो उनकी याद करके हमारा हृदय और अधिक क्षुब्ध हो रहा है, दुखी हो रहा है। भी कोमल और सुंदर है। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब तुम्हारे चरणों में कंकड़, तिनके, कुश, कांटे गड़ न जाए, ये सोचकर हमारा मन दुखी हो जाता है और उस दिन का थोड़ा सा भी समय हमारे लिए भारी हो जाता है। प्यारे, दिन ढलने पर जब तुम वन से लौटते हो, तब हम देखती हैं कि तुम्हारे सुंदर मुखारबंद पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुरों से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हे प्रियतम, अपना वो अपूर्व सौंदर्य दिखाते हुए तुम हमारे हृदय में मिलन की उत्कृष्ट आकांक्षा को जागृत कर देते हो।
कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं स्वयं लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी उनकी सेवा करते हैं। पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय स्मरण करने से हमारे संकट कट जाते हैं। प्रभु तुम अपने उन कल्याणकारी चरण कमलों को हमारे पक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। हे वीर, तुम्हारा अधरा अमृत मिलन सुख की आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वो विरह जन्य शोक संताप को नष्ट करने वाला है। फिर वो आपके द्वारा बजाई जाने वाली बांसुरी से परिचुंबित भी है। जिसने एक बार भी उसका रसपान कर लिया उसे अन्य आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हे वीर, वही अधरा अमृत हमें भी पिला दो। श्री मुखं चते
हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने चले जाते हो, जब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है, और जब तुम संध्या समय लौटते हो, तब घुंघराले बालों से शोभित तुम्हारा मुखारविंद हम देखते हैं। उस समय पलकों का गिरना भी हमारे लिए भार हो जाता है, और तब इन पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा हमें मूर्ख मालूम होते हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार को त्याग कर, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर, तुम्हारे मधुर गायन से मोहित होकर यहाँ आए हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युक्तियों को तुम्हारे सिवा भला और कौन छोड़ सकता है? हे प्यारे, तुम एकांत में मिलन की आकांक्षा और प्रेम को जगाने वाली बातें किया करते थे, और प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा दिया करते थे। तुम्हारा वो विशाल वक्ष स्थल जहाँ लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं, वो देखकर हमारी निरंतर कामना बढ़ती जाती है और हमारा मन तुम पर अनुरक्त होता जाता है।
प्रियतम, तुमने ब्रजवासियों का दुख दूर करने के लिए ही अवतार लिया है और इस अवतार से समस्त संसार मंगलमय हो गया है। हमारा हृदय तुमसे मिलने के लिए अत्यंत आतुर है, इसलिए ऐसा कुछ करो जिससे हमारे हृदय की पीड़ा मिट जाए। प्रभु के चरण कमल इतने कोमल है कि हम उन्हें धीरे से भी अपने स्तनों पर डरते हुए हल्के से ऐसे रखती हैं कि आपके चरण कमलों को चोट पहुंचेगी। हमारा जीवन केवल आप पर टिका है, इसलिए हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि कहीं जंगल के रास्तों में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ों से चोट ना लग जाए।